बदलेंगे कुरुक्षेत्र, बदलेंगे हरियाणा। अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया नया चुनावी कैंपेन। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली में कैंपेन लॉन्च करने के बाद अब लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट पर कैंपेन की शुरुआत की। इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग के तहत आम आदमी पार्टी को 10 लोकसभा सीट में से एक कुरुक्षेत्र सीट मिली है, जिससे आम आदमी पार्टी ने पूर्व राज्यसभा सांसद सुशील कुमार गुप्ता को टिकट दिया है। कैंपेन लॉन्च करने के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे। कुरुक्षेत्र में लोकसभा चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल ने कैंपेन का नारा दिया, बदलेंगे कुरुक्षेत्र, बदलेंगे हरियाणा, इब्बके इंडिया को जुटाना। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा, भाई साहब इस बार गलती मत कर देना, इस चक्कर में मत पड़ जाना कि हमको प्रधानमंत्री बनाना है, बाकी लोग प्रधानमंत्री बना लेंगे, हम तो अपना सांसद बनाएंगे, संसद में अपना आदमी भेजो, प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में मत रहना। भाजपा वाले कभी व्यापारियों, किसानों, बेरोजगारों की आवाज नहीं बन सकते। आज देश में दो तरह के लोग हैं, या तो देशभक्त हैं या तो अंधभक्त हैं। जितने देशभक्त हैं वो मेरे साथ आ जाओ, जितने अंधभक्त हैं वो उनके साथ चले जाओ। उन्होंने कहा, एक महीने के बाद लोकसभा का चुनाव है और किसी भी वक्त चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। इंडिया गठबंधन की तरफ से कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी के सुशील कुमार गुप्ता प्रत्याशी हैं। मुझे बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें करना नहीं आता है। पिछले 10 साल से आप हरियाणा की 10 लोकसभा सीट बीजेपी को दे रहे हो। मैं पूछना चाहता हूं कि इन 10 लोगों ने पिछले 10 साल में आपके लिए क्या किया? इन 10 लोगों ने कोई एक काम किया हो तो बता दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा, हरियाणा की पहलवान बेटियों पर अत्याचार किया गया, दिल्ली प्रदर्शन करने गई बेटियों को लाठियों से पीटा गया, उस वक्त 10 सांसद कहाँ थे? जब आपकी बेटियों को छेड़ा जा रहा था, वह तालियां बजा रहे थे और घर में बैठकर पार्टियां कर रहे थे। चीन और पाकिस्तान पर गोले छोड़ने की हिम्मत नहीं है, लेकिन किसानों ने फसलों के दाम मांगे तो उन पर गोले छोड़ दिए। जब किसानों को पीटा जा रहा था तो ये सांसद तालियां पीट रहे थे। जब हरियाणा में बेरोजगार युवा नौकरी मांग रहे थे और उन्हें पीटा जा रहा था, तब हरियाणा के 10 सांसद कहाँ थे? वे आपकी बेरोजगारी का मजाक उड़ा रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा, 10 साल के अंदर खट्टर साहब ने हरियाणा का बेड़ा गर्क कर दिया। बच्चा बच्चा चाहता है कि खट्टर सरकार जल्द से जल्द जानी चाहिए। कुरुक्षेत्र की सीट जिता दो, आगे खट्टर जी के जाने का समाचार हो जाएगा। कुरुक्षेत्र सबसे ऐतिहासिक धरती है, जहां पर धर्म युद्ध लड़ा गया था। आज धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे, आज भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ है। आज उनके बीजेपी के पास सारी शक्तियां हैं, जिससे CBI ED उनके पास है। ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। अब आप लोगों को तय करना है कि आप धर्म के साथ हो या अधर्म के साथ। इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।